और अब ये जानिए पीटीआई की मूल भर से रहनुमा को जमा करके इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, 170 नशस्ते जीतने का दावा एक बार फिर दोहरा दिया। सबसे ज्यादा नशस्ते जीतने के बावजूद कहा धांधली हमेशा होती थी, बाद धांधला हुआ। रऊफ हसन ने दावा किया कि हमारी 179 नशस्ते होनी चाहिए थी, 85 नशस्ते छीनी गई हैं। सलमान अकरम राजा बोले कि 1,00,000 वोटों से जीत रहा था। शानदाना गुलजार से माविया ताहिर ने भी बड़े बड़े दावे कर डाले। 24 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इन्फ्लिक्ट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे में के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई है और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई है। Every single polling station that had come in by 10 p.m. I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other. But at 10:30 p.m. I was ousted from the RO's office. We got 1.25 million votes in Karachi. And out of the seats, we did not win a single seat. पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया। धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।